अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल है आप सबका, और वेलकम टू बैडमिंटन एकेडमी। आज की ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट बनाई है। उसकी रीज़न कुछ यूँ थी कि जब मैंने लास्ट टाइम आई थिंक दो वीडियोस हाइकुआ पे की हैं, तो मेरे कुछ फेलोज़ हो गए या वो लोग जो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। और सबसे ख़ास बात कि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है, तो इस पर भी एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये ओरिजिनल कहाँ से बाय किया जा सकता है, सी कॉस्ट क्या पड़ती है, क्योंकि ये इंडोनेशिया से आता है। तो इन सब लोगों के लिए मैंने अपने जो पिछला रैकेट बाय किया था हाइकुआ का मेरा लाइट 55, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उसको मैंने स्किप कर दिया, वो वापस कर दिया, और मैंने पहले इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो अब मैं कुछ मालूमात लेके आया हूँ जिसमें मैंने खुद भी एक रैकेट बाय किया है, उसको मैंने प्रॉपर टेस्ट किया है, चेक किया है, उसके बारे में मैं आज आपको प्रॉपर बताऊँगा, और ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहां से बाय कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप सब लोगों के लिए मैंने सबसे पहले तो अपना पिछला रिव्यू जिसमें मैंने मेरा लाइट 55 का रिव्यू किया था, वो रैकेट मैंने खुद के लिए बाय किया था और उसको मैंने स्किप कर दिया, और इस टॉपिक पे जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी। और अब मैं आपके सामने आया हूँ जहाँ मैंने खुद भी एक रैकेट बाय किया है, उसको प्रॉपर टेस्ट किया है खुद से भी, और मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। तो इस रिव्यू में मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कहाँ से मैंने बाय किया है, आप कैसे बाय कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हाइकुआ काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये एक अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग जापान में और ताइवान में की जाती है। तो जिन भाई ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि इंडोनेशिया से आएगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये जापान से और ताइवान से आता है। अब आप इसको डायरेक्टली नहीं मंगवा सकते, इसको अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसके ऑफिशियल डीलर्स मौजूद हैं जिनसे आप इनको बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि हाइकुआ ही नहीं, कोई भी ब्रांड, योनेक्स भी हो, लेनिंग हो या विक्टर हो, पाकिस्तान में इस कदर कॉपीज़ मौजूद हैं उनकी कि इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि योनेक्स वगैरह जो हैं मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके कुछ स्टिकरिंग कोड्स वगैरह ऐसे अवेलेबल हैं जिनको जो रैकेट के ऊपर लिखे होते हैं, जिनको आप चेक करके उनके वेबसाइट पर डाल के चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो हाइकुआ में कोई ऐसा सीन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसको जो है इसकी इस कदर कॉपीज़ मौजूद हैं कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने खुद से एक रैकेट जब बाय किया, वो है हाइकुआ 150, काफ़ी पुराना मॉडल है, 110 और 150 जो है ना इसके तकरीबन सेम मॉडल्स हैं, मतलब साइज़ वाइज, वेट वाइज, हर लिहाज से, शेप वाइज, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स हैं इसके बिगनर्स के लिए भी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम कुछ फ्रेंड्स जो हम खुद खेल रहे हैं बैडमिंटन, इसमें हम लोगों ने 4 से 5 इस तरह के हाइकुआ 150 यूज़ किए हैं पर्सनली, लेकिन जो अब मैंने बाय किया है वो इन सब से चेंज था। कुछ में जो पहले बाय किए थे उनमें कुछ यूँ था कि कुछ का वेट ज़्यादा है, कुछ का बैलेंस बराबर नहीं है, मतलब वो कॉपीज़ थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं ऑथेंटिकली, तो हाइकुआ का मैं खुद सुन के हैरान हो गया था कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये अच्छी खासी वर्थ रखती है। इवन के इसके जो रैकेट्स हैं वो सस्ते भी हैं और कॉस्टली भी हैं, मतलब आपको 4-5 हज़ार की रेंज में भी मिल जाएंगे और आपको 20 हज़ार की रेंज में मिल जाएंगे। अब यही हाइकुआ 150 जो मॉडल है, नॉर्मली हम इसे परचेज कर रहे थे जो कॉपी था 2,000-2,500 में जो है ना हम इसे बाय करते थे, जिसमें पूरा सेटअप कट समेत हो गया और ग्रिप वगैरह हमें अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन जब अब मैंने ओरिजिनल बाय किया है तो ये मुझे राउंड अबाउट 5,000 पड़ा है विद TCS चार्जेस, जिसमें मैंने जो गट करवाई है वो BG65 है योनेक्स की, और उसके अलावा ये रैकेट ओरिजिनल ग्रिप के साथ तो आता ही है। तो दोस्तों ये है वो रैकेट जो मैंने बाय किया है, इसके अभी कुछ वीडियोस और फोटोज़ मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसको मैंने, मेरे दोस्तों ने, सब ने, हमने मिलकर टेस्ट किया है और हमने देखा कि हमारे पास जो पहले भी मौजूद है रैकेट्स उनसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वेट वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन सब दोस्तों को जिन्होंने मुझसे सवाल किया और उन भाई से जिन्होंने मुझसे सवाल किया कमेंट सेक्शन में, जो
हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने खुद बाय किया है फैसलाबाद की शॉपकीपर से। और मैं ऐसी कहानी कुछ यूँ बताता हूँ आपको कि मैंने पहले तो सबसे कांटेक्ट किया, जितने भी मुझे हाइपर के डीलर ऑनलाइन नेट पर नज़र आए उनमें मुझे सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स मकबूल स्पोर्ट्स फैसलाबाद की तरफ से मिला, जिन्होंने मुझे बकायदा प्रॉपर गाइड भी किया इसके बारे में। और ये मैं बातों बातों में वाजे करता चलूँ, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से खुद से ख़रीदा रैकेट, और मैं उनकी कोई जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ कि मैंने उनसे गाइडेंस ली, मुझे उन्होंने प्रॉपर बताया कि कंपनी कहाँ पे है, ये रैकेट कैसे आते हैं, आप कैसे बाय कर सकते हैं। फ़र्क इसका इतना नहीं वाजे हो सकता क्योंकि इस कदर कॉपीज़ मौजूद हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो उस सूरत में मैंने एक रिस्क लिया और उनसे एक रैकेट मंगवाया। मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे भी पसंद आया, इवन के मेरे दोस्तों को भी, और हम सारे प्लान कर रहे हैं कुछ रैकेट्स उनसे और बाय करने के, जिनके मैं हो सकता है इन फ्यूचर रिव्यू भी करूँ। तो उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर इतने ज़्यादा मॉडल्स शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे मज़ीद मॉडल्स की मालूमात ले सकते हैं, फ़ोटोज़ भी वो आपको सेंड कर देंगे और बहुत कॉपरेट करते हैं। इवन कि अगर आप किसी और सिटी से हैं तो वो आपको कुरियर भी करवा के देंगे। ये जो रैकेट मैंने बाय किया है हाइपर 150 रैकेट, अपनी ग्रिप के साथ आता है और ये इनके पैकेज में गट भी थी, तो लेकिन मैंने वो गट को स्किप करवाया, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने फिर इसके अंदर BG65 UNX की करवाई। और मैं रेकमेंड भी यही करूँगा कि अगर आप लोग ये पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं तो हाइक्वा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और हमें खुद को बहुत फील हुआ है कि हम जो पहले हाइक्वा यूज़ करते थे और जो अब यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू आउट तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका मज़ीद कोई सवाल है या कुछ बताना चाहते हैं या मालूमात देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। That's good.